हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा आज बना रही हूँ देसी स्टाइल का चिकन। ये चिकन जो है मैं नॉर्मली घर में ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपको लगता है इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, या आप क्या अलग तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्राइंग पैन में बड़ी इलायची ले रही हूँ, साथ में 4 से 5 छोटी इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग और 2 बड़े चम्मच जितना मैं सूखा धनिया ले रही हूँ, 1 चम्मच जितना जीरा ले रही हूँ, 7 से 8 जो है लाल मिर्ची ले रही हूँ सूखी वाली। इनको मैं अच्छे से भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है थोड़े ब्राउन हो जाए, और उसके बाद मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके पीस के एक पाउडर बना लूँगी। तो चलिए, अब कढ़ाई ले रही हूँ मैं और उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, 2 तेज़पत्ता और बारीक कटा हुआ मैंने कांदा डाला है इसमें, ऑनियन, और उसमें मैं लहसुन जो है कद्दूकस कर रही हूँ। कुछ लहसुन कद्दूकस करूँगी और कुछ ऐसी साबुत डाल दूँगी। तो ये मैंने कुछ 7-8 लहसुन कद्दूकस कर लिया है और 4-5 साबुत डाला है, और अब अच्छे से भून लूँगी मैं इसको। ये अदरक का टुकड़ा भी, इसको भी मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ इसमें, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, अखा डालूँगी बीच में से चीर के, हल्दी डालूँगी और स्वाद के अनुसार नमक। बहुत अच्छे से मसालों को भूनने के बाद अब मैं फाइनली इसमें डाल रही हूँ चिकन, इसको भी थोड़ा मैं मसालों के साथ भूनूंगी और फिर इसे ढक के रख दूँगी। देखिए थोड़ा पक चुका है। अब इसमें कलर के अनुसार लाल मिर्च, जितना आपको तीखा चाहिए, मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च दोनों मिक्स किया है। अब थोड़ा सा और पकाऊँगी। देखिए इसने पानी छोड़ दिया है अपना। अब इसमें जो मैंने मसाला डाला था वो डालूंगी और जितना पानी चाहिए वो डालकर पका दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा कोकोनट कद्दूकस किया है वो भी डाल दिया है। बस अब इसको पकने दूंगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डालूंगी और ये रेडी हो चुका है। कुछ बहुत अच्छी आ रही है, स्वाद में भी बहुत यमी बना है। आप किस तरीके से बनाते हैं, आपका क्या तरीका है बनाने का, जल्दी से मुझे भी मैसेज कीजिए। और आपको मेरा ये देसी स्टाइल पसंद आया है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो भी बताइएगा कि इसमें मैंने क्या नहीं डाला है और क्या डालने से ये और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। और हाँ, मुझे फॉलो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।